तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास टेंथ का प्रॉब्लम सेट ऑफ योर सेकंड चैप्टर, दैट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसका क्वेश्चन नंबर 5 तक का सारा वीडियोस आ चुका है। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मेक श्योर आप उसे भी देख रहे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। क्या बोला, देखो, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट। बहुत सिंपल है भाई। पहले नेचर ऑफ रूट बोला है ना, तो पहले क्या निकालने का, डिस्क्रिमिनेंट निकालने का। डिस्क्रिमिनेंट के लिए आपको फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, मेरे को ABC का वैल्यू चाहिए, तो फर्स्ट स्टेप मेरा क्या रहेगा भाई, कंपेयरिंग, उसी से तो ABC आएगा। तो चलो, उससे पहले का स्टेप क्या रहता है, फर्स्ट स्टेप, एकदम स्टार्टिंग स्टेप क्या रहेगा, हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको याद रखना है, स्टार्टिंग स्टेप क्या रहेगा, हमेशा आपका इक्वेशन क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए। यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा तो आप प्रोसीड करोगे, नहीं तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, जी जरूर है। तो आप क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसके साथ अगर आप कंपेयर कर रहे भाई, तो आपको आदत हो गई रही अब तक, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू -5 और c का वैल्यू आता है 7। इसके बाद आप क्या निकालते हो, ट्रायंगल का फॉर्मूला b² माइनस 4ac। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, b की जगह क्या रखोगे, -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 3, यहाँ पर आएगा 7, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा माइनस 4 3 12, या फिर 7 4 28, या फिर 7 3 21, 21 4 आपका कितना होगा 84, ये हो जाएगा 84। माइनस करो तो ट्रायंगल का वैल्यू देखो कितना आएगा, ये हो गया आपका 84, ये हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा आपका 14, ये हो जाएगा आपका 7, 14 माइनस 5 कितना होता है 9, और 7 माइनस 2 कितना होगा 59, तो ये कितना हो जाएगा आपका -59 हो जाएगा। अच्छा, अभी ये जो ट्रायंगल का वैल्यू 0 से बड़ा है कि छोटा, तो लिखोगे एज ट्रायंगल इज लेस देन 0, देयरफॉर नेचर क्या रहेगा, नेचर जब भी नेगेटिव आंसर आता है भाई, क्या आता है आंसर नेगेटिव, तो रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। आई होप आपको ये समझ में आया। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला है यहाँ पर, देखो यहाँ पर भी सेम स्टैंडर्ड फॉर्म आपको दिख रहा है, तो सबसे फर्स्ट काम आपका क्या रहेगा, कंपेयरिंग विथ किसके साथ, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देयरफॉर a इज इक्वल टू √3, b का वैल्यू आएगा √2 और c का वैल्यू आएगा -2√3। अब आपको इतना समझ में आया, इसके बाद आप क्या निकाल दो भाई, b² माइनस 4ac, मतलब ट्रायंगल का वैल्यू, तो ट्रायंगल इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो b का वैल्यू कितना है √2 का होल स्क्वायर, b देखो इधर है, इधर टपक जाएगा -4 इंटू a की जगह कौन आएगा √3 टपकेगा, और c की जगह कौन टपकेगा -2√3 टपकेगा। फर्दर सॉल्व करूंगा तो देखो ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट भाई जानी दुश्मन लोग, हटा देंगे एक दूसरे को, तो बेचारा 2 आपका अकेला हो गया, माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ पर होगा 4 इंटू ये हो जाएगा √3 इंटू 2 इंटू √3। फर्दर सॉल्व करोगे तो ये 2 प्लस 4 2 8, और √3 इंटू √3 कितना होगा 3, 2 प्लस 8 3 8 1 8 8 2 16 8 3 24, तो इधर आएगा 24, ऐड करूंगा तो 26, तो ट्रायंगल का वैल्यू कितना होगा 26। ट्रायंगल का वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एज ट्रायंगल इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर नेचर में क्या लिखूंगा मैं, रूट्स आर रियल, रियल तो है बट कैसा रहेगा, बट अनइक्वल, रियल तो है बट कैसा रहेगा अनइक्वल, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो इसमें भी स्टार्टिंग स्टेप आपका क्या रहेगा, कंपेयरिंग, क्यों, क्योंकि आपका इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो कंपेयरिंग विथ a, x नहीं आएगा ब्रो, am² फिर प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0, ध्यान देना वेरिएबल्स का झोल है भाई, a का वैल्यू कितना आएगा फिर 1, b का वैल्यू कितना आएगा -2 और c का वैल्यू कितना आएगा 1, देयरफॉर मुझे क्या फाइंड करना है, ट्रायंगल क्या होगा b² माइनस 4ac, b का वैल्यू कितना है -2 द होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 4 - 4 विच इज इक्वल टू 0, तो ट्रायंगल का वैल्यू कितना आ गया 0, फिर क्या लिखोगे, एज ट्रायंगल इज इक्वल टू 0, देयरफॉर नेचर क्या रहेगा भाई, नेचर क्या रहेगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, बस इतना सा क्वेश्चन है, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 7। इसमें ना भाई बहुत खतरनाक है, सिर्फ यही बोला सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के 3 मेथड, फैक्टराइजेशन, फॉर्मूला मेथड, कम रीडिंग स्क्वायर।
कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे होंगे, छह सम या फिर जो भी क्वेश्चंस दिए हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके फॉर्मूला मेथड से होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो फैक्टराइजेशन से होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कंप्लीटिंग स्क्वेयर्स होंगे। तो हम उसको चेकआउट करके सेग्रीगेट करके सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते, ये एक क्वेश्चन बोला तो यहाँ पर तो आपको इक्वेशन दिख रहा दोनों वेरिएबल डिनोमिनेटर में, क्या करो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई, और कुछ कर ही नहीं सकते, कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर इधर जाएगा, ये वैल्यू इधर जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव। आपका मेन एम क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए इसको इधर लाऊंगा मैं, तो एक्स स्क्वायर ये माइनस एक्स हो जाएगा, ये माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। फैक्टराइजेशन से होगा क्या, ट्राई करो, देखो टैलेंटेड लोग हो तुम लोग, फैक्टराइजेशन से होगा क्या, नहीं, इधर फाइव है ना, फाइव का ऐसा कोई फैक्टर है क्या जिसको प्लस और माइनस करने पे, पहली बात तो ऐसा नंबर बताओ ना, यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्या है, कोई ऐसा नंबर है क्या जिसको मल्टीप्लाई करने पे फाइव आता है, सिर्फ एक ही नंबर है, फाइव वन ज़ा फाइव, फाइव वन ज़ा फाइव अगर आप करते हो, और फाइव माइनस वन आपको वन देगा क्या, कभी नहीं देगा भाई, और फाइव प्लस वन देगा क्या, वन कभी नहीं देगा। तो इसको आप फैक्टराइजेशन से नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसका फैक्टर ही नहीं आएगा, तो जो वो करेगा वो अपना टाइम वेस्ट करेगा। तो इसीलिए हम इसको किसके थ्रू सॉल्व करेंगे, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर या तो फिर फॉर्मूला मेथड। हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड का फर्स्ट पार्ट क्या रहता है भाई, कंपेयरिंग, कंप्लीटिंग ना थोड़ा बड़ा है, तो अगर जिधर फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है मेक श्योर कि आप फॉर्मूला मेथड से जाते हो। कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो आपको ए का वैल्यू कितना मिलेगा वन, बी का वैल्यू कितना मिलेगा माइनस वन, और सी का वैल्यू कितना मिलेगा माइनस फाइव मिलेगा। इसके बाद आप क्या निकालते हो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी का वैल्यू कितना है माइनस वन का स्क्वायर, फिर माइनस फोर इंटू वन इंटू माइनस फाइव। अच्छा इसका वन का स्क्वायर कितना हो जाएगा वन, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, फाइव फोर का कितना होता है भाई ट्वेंटी होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा ट्वेंटी वन, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू। इसके बाद आप क्या लिखते हो, देयरफोर बाय, देयरफोर बाय फॉर्मूला मेथड, देयरफोर बाय फॉर्मूला मेथड। अभी फॉर्मूला मेथड आपका क्या बोलते हैं, देखो इधर फॉर्मूला मेथड क्या बोलते हैं भाई, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो x इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस बी किधर है भाई, b का वैल्यू देखो माइनस वन है, तो यहाँ पर आप कैसे पुटअप करोगे, माइनस रखोगे फिर माइनस वन होगा, डबल माइनस है, तो इसीलिए यहाँ पर जो भी साइन रहेगा उसको हमेशा आप ऐसे ब्रैकेट में लिखो, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू कितना है ट्वेंटी वन, तो इधर ट्वेंटी वन, कुछ लिखने का जरूरत नहीं कि कहाँ से लाएं। ए का वैल्यू कितना है वन, तो यहाँ पर क्या पुटअप करूंगा वन, तो सॉल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा प्लस वन, फिर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ट्वेंटी वन अपॉन टू। इसके आगे ये कुछ सॉल्व नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ट्वेंटी वन का अगर आप फैक्टर निकालते भी हो तो सेवन थ्री आता है, उसमें कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब सेवन किसी का भी स्क्वायर नहीं है, थ्री किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो ये वैल्यू आपका वैसी रहेगा। फर्दर स्प्लिट करके लिखोगे तो x इज इक्वल टू वन प्लस रूट ट्वेंटी वन अपॉन टू, और x इज इक्वल टू वन माइनस रूट ट्वेंटी वन अपॉन टू, तो ये होंगे आपके फाइनल आंसर। फिर लास्ट में आप क्या लिखेंगे, देयरफोर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, ये दोनों इक्वेशन आपको चिपका देना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर टू। पहले इसको हम क्या करेंगे ना भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद ही हमारा कोई काम हो सकता है, उसके बाद ही हम फैक्टराइजेशन कंप्लीटिंग या फिर फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, उसके बाद देखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए डिनोमिनेटर में टेन दिख रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाइंग बाय टेन थ्रू आउट, क्या कर रहा हूँ मैं, टेन से सबको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग बाय टेन थ्रू आउट। तो देखो मेरा काम क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर था, इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, फिर माइनस 3 अपॉन 10 एक्स है, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, फिर माइनस 1 अपॉन 10 है, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया 10 इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्या देखो, कुछ कट हो रहा है, देखो ये 10 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 10 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 3x, ये हो जाएगा माइनस 1 इक्वल टू 0, 10 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी 10 10 कैंसिल। अच्छा अब इक्वेशन क्या बचता है, 10 1 10, यहाँ पर मुझे क्या चाहिए 3, कोई ऐसा नंबर है क्या जो आपको 10 दे देगा फैक्टराइजेशन से, 5 2 जा 10 देता है और 5 माइनस 2 3 देता है, अरे हो गया फैक्टराइजेशन से हो जाएगा, वाह तो ऐसे पहले चेक कर लो, नहीं होता फैक्टराइजेशन तो फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला मेथड से करोगे तो भी आंसर आएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इधर फैक्टराइजेशन सॉल्व करूँगा, फैक्टराइजेशन सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, देखो बाय फैक्टराइजेशन मेथड, क्या फैक्टराइजेशन मेथड है, 10 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेगा, तो 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, तो आंसर इसका कितना आता है, माइनस 10 आता है, माइनस 10 का फैक्टर निकालूंगा तो एक 2 आता है, एक 5 आता है, और 5 माइनस 2 करूंगा तो मुझे 3 मिलता है। अच्छा इसका साइन क्या है, माइनस, तो दोनों में बड़ा कौन है 5, तो उसका साइन में क्या रखूंगा, माइनस रखूंगा। अब मैं बाजू वाले का क्या साइन रख सकता हूँ,
बाजू वाले का या तो प्लस रखता हूँ या तो माइनस। अच्छा अगर देखो मैं माइनस रखता हूँ तो माइनस माइनस प्लस होता है तो इसका आंसर आएगा 7। बट मुझे क्या चाहिए आंसर, मुझे आंसर 3 चाहिए तो मैं क्या रखेगा प्लस। अब बताओ देखो इसको मैचिंग कर रहा है क्या, प्लस माइनस माइनस, और 5 माइनस 2 कितना होगा 3। तो जो मेरे फैक्टर्स होंगे दैट विल बी माइनस 5 एंड प्लस 2। तो इक्वेशन को कैसे लिखूंगा, देखो 10x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 है। अब लिखूंगा 10x स्क्वायर, 3x की जगह क्या लिखूंगा माइनस 5, माइनस 5x लिखूंगा और प्लस 2x लिखूंगा, और बाजू में फिर क्या आएगा मेरा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इनको ब्रेक करके लिखने का, 10 को कैसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर को x इंटू x, माइनस 5x को कैसे लिख सकता हूँ 5 इंटू x, फिर प्लस 2 इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 0। चलो इसमें से कॉमन बताओ, एक 5 और एक x बार आएगा। देखो इधर मैंने 5 ले लिया, इधर x बार ले लिया, तो क्या बचा, यहाँ से x गया और 5 गया तो 2 और x बचा, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा 2x। यहाँ से ये सारा, जब भी याद रखना सारा वैल्यूज गायब हो जाएंगे तो कॉमन आपका क्या रहेगा 1। इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है तो क्या आएगा प्लस का साइन प्लस रखो, कुछ कॉमन नहीं तो हमेशा क्या रहता है 1, और इधर क्या आएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 लिखने का, और ये बाजू वाला ब्रैकेट हमेशा आपको यहाँ पर लिखना है। अब दोनों में सेम क्या है, दोनों में सेम क्या दिख रहा है मुझे, 2x माइनस 1 दिख रहा है तो मैंने एक बार लिख दिया। देख भाई यहाँ से 2x माइनस 1 जाएगा, 2x माइनस 1 छुपा दूँ तो क्या बचता है 5x, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा 5x। यहाँ से 2x माइनस 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अभी मैं क्या करूँगा देखो, दोनों को सेपरेट करूंगा तो क्या होगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस 1, 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा 2x इज इक्वल टू माइनस 1 उस साइड जाएगा तो प्लस 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, ये एक पार्ट हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 5x इज इक्वल टू माइनस 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 5। फिर आप लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x इक्वल टू 1 बाय 2 एंड x इक्वल टू माइनस 1 बाय 5। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया, और क्यों फैक्टराइजेशन से किया वो भी समझ में आया, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन दिखने में खतरनाक है बट सॉल्व करने में उतना ही मजा आएगा भाई। देखो कैसा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इधर स्क्वायर दिख रहा है। अब बहुत लोग ये सोचेंगे कि भाई मैं इधर a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा, बट घिसा पिटा पार्ट है, आप जा सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। स्मार्टनेस, स्मार्टनेस देखो कैसा था, इधर स्क्वायर दिख रहा है, ये देखो ये बंदा किसी का स्क्वायर है क्या, 5 का स्क्वायर है। तो जब भी ऐसे नंबर मिलते तो क्या करो भाई, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सिंपल सा रूल। क्या करेंगे देखो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा तो ये कैसे हो जाएगा, देखो यहां पर मेरा वैल्यू कितना था 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर, और इसको मैं कहां रखूंगा अंडर रूट में, सिमिलरली इक्वल टू करूंगा, और 25 को मैं किधर लिखूंगा अंडर रूट में। अच्छा ध्यान देना, जब भी आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालते हो तो ये प्लस और माइनस में रहता है, बस इतना सा आपको ध्यान देना है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आंसर कितना होगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा प्लस और माइनस 5। अब स्प्लिट करोगे तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस 5 और 2x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 5। अब इसको सॉल्व करो और आपके आंसर आ जाएंगे। देखो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 3, प्लस 3 उस साइड जाएगा तो माइनस 3 होगा, तो 5 माइनस 3, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 अपॉन 2, देयरफॉर x इक्वल टू 1। ये आपका फर्स्ट पार्ट, इसको चेकआउट करो, ये कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, ये प्लस 3 उस साइड जाएगा तो माइनस 3, तो माइनस 5 माइनस 3, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू माइनस 8, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 4। लास्ट में आप क्या लिखोगे, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस 4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी के कंटिन्यूएशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।